का यह फ्लोर था, नीचे का रूम बना हुआ था, छत पूरा ढल गया इसका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम एक्सप्लोरर। और आज की कहानी है थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम कहीं पे जा रहे हैं और वो जगह जो कि है काफ़ी स्पेशल है, अभी तक भोपाल में ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं। जगह का नाम मैं आपको आगे थोड़ा चल के बताता हूँ, पहले शुरू करते हैं। और काफ़ी लोग आने वाले हैं अभी, उनका वेट कर रहे हैं, बस रेडी हो गए हैं, जैसे ही आ जाते हैं चलते हैं। मिलते हैं आपसे रोड पर। जब नेचर की ब्यूटी माननी पड़ेगी। जगह देखो पहले एक बार, ये जगह कितनी सुंदर है, लिटरली इतनी ज्यादा सुंदर जगह है। जगह देखो उसके बाद गिनौर रोड के फोर्ट से 3 या 4 किलोमीटर पहले ही आपको मिलेगा गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस, और वहीं पे है ये गवर्नमेंट का ही नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर, जहाँ की आपको वॉशरूम की फैसिलिटी मिल जाएगी और टिकट और गाइड दोनों चीज़ें आपको यहीं से मिलेंगी। फोर्ट में एंट्रेंस के चार्जेस हैं 50 रुपीज़ फॉर बाइक, 300 रुपीज़ फॉर गाइड और 300 रुपीज़ फॉर फोर व्हीलर। तो अगर आप जो भी चीज़ें चाहते हो यहीं से टिकट लेने के बाद, आपको गाइड लेना है और आपको लोकेशन पे जाना है और वहां से गाइड आपको आगे ले जाएंगे जहाँ पे जाना है। अभी गाइड भैया हैं ये हमारे, ये आगे ले जा रहे हैं रसीद कटाने के लिए। रसीद वहाँ भी कटती है बट और यहाँ भी कटती है, तो जहाँ कटाना है वहाँ कटा लो। यहाँ पे एंट्री करवा लेते हैं और फिर यहीं से आगे जाना है जो कि गाइड भैया ने बताया हमें, तो करवा लेते हैं एंट्री, उसके बाद चलते हैं। यहाँ पे गाड़ी के नंबर लिखवाने हैं सिर्फ, और बस एक नॉर्मल एंट्री होनी है, ठीक है। ये हैं सारे लोग, और यहाँ से चढ़ के ऊपर जाना है इधर को, तो देखते हैं सबसे पहले कौन चढ़ता है। हेलो, हाय, अभी हम ये वे स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए आज इसका सुंदर नजारा दिखाएंगे आपको। एक नई जगह, अभी से देखिए हमारी मंजिल तो वहाँ टॉप पर है, बट स्टिल अभी हम काउंट करते हैं और देखते हैं कि कौन पहला पहुंचता है। अभी गाइड भैया से मिलवाते हैं आपको, उसके बाद चलो पहले चढ़ते हैं, देखते हैं चढ़ता कौन है किस स्पीड से।
तक नजर जाएगी, आपको सिर्फ पहाड़ी और पहाड़ दिखेंगे। सामने ये पूरा एक किला का आपको दिखता है, तो ये है ना, ये किला 7 मंजिल बना हुआ था जी, 3 मंजिल ऊपर था, 4 मंजिल जमीन के अंदर बना हुआ था। जो मंजिल उसमें एक सड़क निकली है, मतलब एक काफी दूर एक बावड़ी है, चोर बावड़ी के नाम से जानी जाती है, वो बावड़ी बनी हुई है। तो सिर्फ अपन उसकी एक ही फ्लोर देख पाते हैं, बाकी सब टूट गया है, मतलब ठंडा बहुत ज्यादा होगा। आइए अपन आगे जी। भाई साहब ग्रुप में दोस्त अगर सब सेम एज वाले हों सब पागल हो जाते साहब। चौधरी बनना आसान है, लेकिन अगर आप चढ़ोगे 4 किलोमीटर वाला ट्रैक, पता नहीं लोग कैसे करते हैं, हमारे तो 1 किलोमीटर में सबकी मेहनत बची हुई है। अभी अप्रॉक्स हाफ भी नहीं आए और भाई साहब ये गार्ड भैया पता नहीं कहाँ कहाँ ऊपर ले जा रहे हैं, और हालत खराब लग रही होगी क्योंकि 1 किलोमीटर चढ़ना आसान नहीं है। चढ़ तो रहे हैं अपन मेन गेट, ये वाला इस जगह से ज़्यादातर है ना लोग को मतलब आने जाने का, नीचे पूरा इस साइड जो नीचे आप देख रहे हैं ना, इधर पूरा कस्बा था, नीचे साइड पूरी बस्ती बनी हुई थी, अब तो ये पूरा बंजर होगा। ये किला कम से कम 800-900 साल पुराना हो चुका है, ये 12वीं सदी का किला बना हुआ है। जहाँ तक आप नज़र घुमाओगे सिर्फ आपको पहाड़ी पहाड़ दिखेगा। रास्ता इस जगह के लिए, और आपको चढ़ना तो खैर काफ़ी कुछ पड़ेगा, बट प्राइमरली ये है कि आप हाइट पे आते हो तो आपको थोड़ा सा ठंड के मौसम के हिसाब से अगर आप आ रहे हो तो आपको फिर भी गर्मी लगेगी ऊपर आके, क्योंकि ये हाइट तो बहुत ज़्यादा है। और बाकी ये एक जगह है, बताते हैं कि इसके आसपास बहुत सारी कुएं बावड़ी सारे कुछ था।